प्रगति शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर इंदौर से, जहां बिलेश्वर महादेव मंदिर में हादसे पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मंदिर की बावड़ी धसने से 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए 35 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो एक लापता शव जिसकी तलाश अभी भी जारी है, रेस्क्यू अभी भी जारी है। तो 24 घंटे बीत चुके हैं, सुबह 11:30-12 बजे ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तकरीबन, और अब तक जारी है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, उसके बाद मोर्चा आर्मी ने संभाला। तो देर रात 16 डेड बॉडी और निकाली गई है, रेस्क्यू अभी जारी है। तो देखिए इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने ये बात की जानकारी दी है। बावड़ी हादसे पर सेना ने मोर्चा संभाला, और साथ ही बड़ा अपडेट ये भी कि सीएम शिवराज ने हादसे को लेकर घोषणा की, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो घायलों को 50,000 रुपए का। इधर केंद्र सरकार भी मुआवजा देगी, पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को मिलेंगे, तो वहीं 50,000 रुपए घायलों को दिए जाएंगे। और चलिए इस खबर पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? देखिए बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि एक जो मिसिंग व्यक्ति है जिसके बारे में रिपोर्ट यहां पर की गई है परिजनों के द्वारा, उसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहां पर खोजने के लिए टीम जुटी हुई है। हालांकि ये ऑपरेशन अंतिम चरणों में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने कल दिन भर मोर्चा संभाल रखा, 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस पूरे ऑपरेशन को। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि जब आर्मी यहाँ पर पहुंची, यानी कि जो आर्मी के जवान थे एक्सपर्ट थे, 11 बजे उन्होंने मोर्चा संभाला, उसके बाद से लगातार शवों को बाहर निकालने का काम किया गया। 35 शव अब तक जो है निकाल लिए गए हैं, एक और जो है वो व्यक्ति मिसिंग है, उसके बारे में भी जो है वो जानकारी जल्दी यहाँ पर टीम जो है वो देगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब निकल चुके हैं भोपाल से, और कुछ ही देर में सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जायजा लेंगे, तमाम परिस्थितियों का अधिकारियों से बातचीत करेंगे, और उसके बाद में यही से सीधे जो एप्पल हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम जो घायल एडमिट है जिनका उपचार चल रहा है, उनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, उसके साथ में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे, तमाम अधिकारियों से आज चर्चा करेंगे, घटना को लेकर पूरी यहाँ पर जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटाएंगे। बिल्कुल पीयूष, अभी रवाना हो चुके हैं सीएम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं, खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। पीयूष, क्योंकि देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 35 लोगों की मौत इधर हो चुकी है, परिजनों का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में कुछ पता चला? देखिए बिल्कुल, ये कल संख्या जो थी वो अनुमानित संख्या 20 से 25 लोगों की बताई जा रही थी, लेकिन देर शाम तक जिस तरीके से मिसिंग को लेकर रिपोर्ट्स आई, उसके बाद में ये 54 लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर घटना जब हुई, हादसा हुआ, उस वक्त कहीं कहीं मंदिर के इस परिसर में मौजूद थे। परिजनों में आक्रोश भी है, लोगों का कहना है कि मंदिर के निर्माण को लेकर, मंदिर के पास जो भवन बन रहा है उसको लेकर भी पहले कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पहलू पर भी कहीं ना कहीं जांच होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए हैं, कलेक्टर ने इसको लेकर टीम भी गठित कर दी है। अब तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जांच के बाद में यहां पर हादसे की वजह पता लगेगी। लेकिन बड़ी चूक है, जिस तरीके से कल से हम लगातार कह रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं यही लापरवाही भी देखने को मिली थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। तो जिम्मेदारों पर भी संभवतः जो है वो गाज जरूर गिरेगी, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन परिजन आक्रोशित जरूर हैं, और जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप जांच के बाद जिम्मेदारों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी देखना भी लाजमी। बिल्कुल, मजिस्ट्रियल जांच की यहाँ पर बात कह दी गई है। पीयूष, शुरुआत में कहा गया था कि लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे और रेस्क्यू हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए समय 20 घंटे बीत चुके हैं, अगर जानकारी मिल पाई हो कितना और समय लग सकता है अभी? देखिए बिल्कुल, चूंकि एक शव की जो है वो एक व्यक्ति के मिसिंग होने की बात सामने आई है, कल जिस तरीके से जो है वो कहा गया था कि 20 से 22 लोग जो है मिसिंग हुई है, तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। ऐसे में एक शव को निकालने के लिए मशक्कत भी इसीलिए करना पड़ रही है, चूंकि जिस तरीके से मलबा है वो लगातार यहाँ पर इस जो है बावड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन उस मलबे को निकालने के साथ में ये कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि उसके बाद में स्थिति पता लगे कि आखिर ऑपरेशन कब तक यहाँ पर खत्म होगा। लेकिन फिलहाल जो सेना की टुकड़ी है, सेना के जवान है, वो मौके पर जरूर डटे हुए हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ऑपरेशन और चल सकता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 1 से 1.5 घंटे ऑपरेशन यहाँ पर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम
बातचीत के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए बिलेश्वर महादेव मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ, इंदौर से बड़ी खबर है। 11:30-12 बजे ये हादसा हुआ था और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए मंदिर की बावड़ी धसने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, शव बरामद हो चुके हैं। बड़ा अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में इंदौर पहुंच जाएंगे, रवाना हो चुके हैं, तो अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे, जो घायल अस्पताल में भर्ती है उनसे मिलेंगे। निर्देश यहां सख्त दे दिए गए थे कि कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, घायलों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए।